गाइस, मैं हूं दीपाली पटेल, एंजल दीप पटेल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाले हूं शक्करपारे, जिसको मराठी में शंकर पारे बोलते हैं, शंकर पारे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी रेसिपी जानते हैं। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और आधी वाटी से थोड़ा ज़्यादा गेहूँ का आटा लिया है, पीसी हुई चीनी 1 वाटी, उसके बाद मैंने ये आधी वाटी घी गरम करके लिया है, 1 वाटी पूरा मिल्क लिया है और 2 चम्मच मैंने ये रवा लिया है और हरी इलायची पाउडर। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आटा गूंदना है। पहले हम लोग चीनी डाल के लेते हैं साइड में, कि जैसे जितना मीठा चाहिए उतना आप चीनी डाल के ले सकते हैं। अभी हमने चीनी डाल के ली है, ये चीनी है पिसी हुई, ये मैदा है और ये गेहूं का आटा है। अब हम लोग तीनों मिक्स कर लेंगे इसको एक साथ में। अब 2 चम्मच जो रवा लिया था वो रवा हम लोग डाल के लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर लेंगे 1 चम्मच और उसको मिक्सअप करेंगे। आपको थोड़ा सा नमक डालना है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हम नमक डालते हैं तो जो मीठी चीज़ होती है वो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। अभी जो घी गरम किया था हमने, वो घी हमको इसमें पूरा डाल के अच्छे से वो जो आटा है उसको लगा के लेना है। चलिए हम लोग आटे को पूरा घी लगा के लेते हैं अच्छी तरह से। घी जो डाला है ना, उसको हम आटे को जो लगा रहे हैं ऐसा आपको लगा के लेना है पूरा। गाइस, आप जो घी आटे को लगा ले रहे हैं ना, उसमें आपको ऐसे लगा के लेना है जैसे दोनों हाथ में ऐसे आपका जो घी है ना वो पूरे आटे के एक एक कण को लगना चाहिए। इस तरह से आपको घी लगा के लेना है। अगर आप इस तरह से शक्कर पारे बनाते हैं तो आपका घी भी कम लगेगा और जो शक्कर पारे है वो बहुत ही खुशखुशी, टेस्टी और बिस्किट जैसे लगेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने आटे को पूरा घी लगा के लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आटे में थोड़ा घी कम है तो आप और 1 चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह से लगा के ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से घी आपको ऐसे लगाना है कि आपके हाथ में ना ऐसे गुटका बन जाए जब आप ऐसे हाथ में लेते हैं आटा, ठीक है, तभी आपका घी अच्छे से लग गया है ये आपको पहचान में आना है। तो हमने क्या करना है, अभी जो 1 वाटी ये हमने पूरा ये लिया था, दूध लिया था। दूध से कैसा होता है, शक्करपारे जो रहते हैं वो मतलब कम से कम 10 दिन तक टिकते हैं। अगर आप उसको एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं या फिर थोड़ा बहुत 2-4 दिन में आप उसको हवा में रखते हैं तो ये अच्छी तरह से रह जाते हैं 10 दिन। तो ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको दूध डाल के पूरा गूंद के लेंगे। आपको एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा 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 दूध डालना है आपको और अच्छे से इसे गूंद के लेना है आपको। और जब भी आप आटा गूंदते हैं तो आपके दोनों हाथ खराब हो जाएंगे ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अन्नपूर्णा देवी जिसके हाथ में हो उसका खाना बहुत ही टेस्टी रहता है। क्योंकि किचन गंदा हो, घर गंदा हो या फिर अपना हाथ गंदा हो, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए खाना बनाते टाइम। क्योंकि आप 100% से अगर मन से दिल से खाना बनाते हैं ना तो उसकी उसमें टेस्ट आपकी आ ही जाती है, ठीक है। तो ये अच्छे से मैं पहले गूंद के लेती हूँ। दूध आपको थोड़ा 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 डाल के गूंद के लेना है, ओके। देखिए, 1 वाटी जो दूध लिया था ना उतना ही हमारा हो चुका है उसमें ही पूरा। अब हम जो आटा है ना उसको 10 मिनट रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने 2 चम्मच जो रवा डाला था वो फूल जाएगा थोड़े टाइम, और हमारा जो आटा है अगर हम उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मुड़ने के लिए नहीं देंगे ना तो फिर वो शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे इस पे कपड़ा, ओके। इसमें से थोड़ा गोला लेके अब हम इसकी पारी बनाएंगे, बड़ी वाली रोटी बनाएंगे और उसको मतलब कट करेंगे, ठीक है। ये शक्करपारे हमने कट कर लिए हैं, थाली में, और हमने कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हम इसको फ्राई करके देखते हैं। और अपन अभी आप जो शक्करपारे हैं हम तड़के लेते हैं
और अगर आप मीडियम गरम करते हैं तो आपका शक्करपारे जो है वो नीचे से ऊपर आएगा एक 5 मिनट के बाद या 2-3 मिनट के बाद ऊपर आ जाता है, अभी आप देख सकते हैं। और अगर कम गरम है तो शक्करपारे आपका टूट जाएगा अंदर। तो जितना कढ़ाई में तेल है उसके हिसाब से ही आपको तलने के लिए शक्करपारे डालने हैं अंदर। अभी आपको इसे थोड़ा सा हिला के लेना है। शक्करपारे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। ये लेस दिख रही है ना शक्करपारे में, इसका मतलब होता है कि ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये लेयर्स दिख रही है आपको, ये देखिए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो गई है। और आप भी बनाइए, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू।